स्टूडेंट्स हम लोग कंप्यूटर में चैप्टर सेकेंड टेबल्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग आज पढ़ेंगे सेविंग एंड क्लोजिंग द टेबल टेबल स्ट्रक्चर इज़ नाउ कंप्लीट द नेक्स्ट स्टेप इज टू सेव द टेबल इन द डाटा बेस यू शुड गिव अ नेम टू द टेबल बिफोर सेविंग इट जब अभी हमारी टेबल हमने देखी कैसे बनाते हैं हमारी पूरी कंप्लीट हो गई टेबल अब हमें क्या करना होगा उसको so, सेव भी करना होगा तो so, टेबल को सेव कैसे करना है सेव करने से पहले हमें यह भी करना होता है उसमें नाम डालना होता है ना वंस यू हैव सेव द टेबल यू कैन कंटिन्यू वर्किंग इन द टेबल विंडो और क्लोज द विंडो अगर एक बार आपकी विंडो सेव विंडो में टेबल सेव हो जाती है तो आप उसके अंदर काम भी कर सकते हो और उसे बंद भी कर सकते हो फर्स्ट क्या है स्टेप क्लिक ऑन द सेव बटन ऑन द क्विक लॉन्च टूल बार द सेव एज डायलॉग बॉक्स विल अप योर टाइप द नेम स्टूडेंट डिटेल इन द टेबल बॉ table name box click on the okay access saves the table and table name appears in the table title bar click on close button or close the table पहले वही सेम जिस स्टेप्स से हमें फॉलो करने हैं सबसे पहले हमें सेव बटन को ओपन करना है फिर उसमें सेवस डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा उसमें आप स्टूडेंट का कोई भी टाइप कर सकते हैं ना नाम डाल सकते हो उस टेबल नेम में उस बॉक्स में फिर ओके बटन कर दोगे तो क्या होगा वो जब आपने ओके कर दिया तो जो टेबल का जो नाम आपने बच्चे को नाम डाला जो भी डाला होगा वो टाइटल बार पे नाम लिख के आने लग जाएगा उस टेबल का ठीक है और बाद में आप क्लोज बटन दबा सकते हैं एडिंग रिकॉर्ड्स टू अ टेबल फॉर द फर्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट अ टेबल एंड सेव इट अगर आपको कोई रिकॉर्ड टेबल में पहले से बना हुआ है उसमें कुछ करना है ऐड तो क्या करेंगे पहले स्टेप तो हमें टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी और उसे सेव करना पड़ेगा द सेकेंड स्टेप इज टू एड रिकॉर्ड टू द टेबल फिर बाद में जाके आप और रिकॉर्ड उसमें टेबल में ऐड करेंगे द टेबल मस्ट बी ओपन सो दैट द रिकॉर्ड कैन बी एडिड टू द टेबल टेबल कैसी होनी चाहिए ओपन होनी चाहिए और तभी तो आप उस रिकॉर्ड में टेबल ऐड कर सकते हो और द टेबल डिस्प्ले द डाटा शीट व्यू जो टेबल है वो डाटा शीट व्यू में ओपन होगी इन डाटा शीट व्यू द टेबल इज़ रिप्रेजेंटेड एज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स कॉल डाटा शीट जब आप उस डाटा शीट उस कॉलम को उस टेबल को ओपन करेंगे तो डाटा शीट व्यू में होगी उसके अंदर बहुत सारे रोज और कॉलम्स होंगे और उस रोज एंड कॉलम्स को क्या कहते हैं हम डाटा शीट ही कहते हैं यहाँ पर स्टेप्स दे रखे डबल क्लिक ऑन टेबल स्टूडेंट्स डिटेल इन द डांस क्लास डाटा बेस विंडो ये आपकी विंडो है ये आपकी टेबल है इसके अंदर देख रहे हो यहाँ पर आपको क्या करना है यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा तभी आप उसमें क्या स्टूडेंट की डिटेल्स और ज़्यादा डाल सकते हैं यू कैन क्लोज़ अ नेविगेशन पेन फॉर मोर स्पेस यहाँ पर जो नेविगेशन पेन होता है उसको आप क्लोज़ भी कर सकते हैं तभी क्या आपके पास और ज़्यादा जैसे ये है इसको बंद कर दो देख लो कितनी पूरी फुल स्किन में आ गया ये नेविगेशन पेन होता है इसको बंद कर सकते हो आप इस चीज़ को यहाँ देख सकते हैं फील्ड्स नेम होते हैं स्टूडेंट आईडी नेम क्लास डांस ट्रांसपोर्टेशन फीस ये सारी के हमारे फील्ड्स नेम है स्टूडेंट्स डिटेल्स टेबल विंडो ये स्टूडेंट की डिटेल टेबल विंडो है यहाँ पर स्टूडेंट आई आएगी और दूसरी दूसरी दूसरे बच्चों की आती रहेगी डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्स्ट फील्ड यहाँ पर फर्स्ट फील्ड का डिस्क्रिप्शन लिखा रहेगा यहाँ पर फर्स्ट फील्ड का जो भी बच्चे का नाम लिखा उसका यहाँ पर आता रहेगा रिकॉर्ड वन इज़ करंट रिकॉर्ड यहाँ पर रिकॉर्ड वन मतलब क्या होगा पहला आपका शीट चल रहा है पहले शीट चल रहा है ठीक है रिकॉर्ड यहाँ पर रहेगा सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे टाइप द आई डी नंबर इन द फर्स्ट स्टूडेंट आई डी फील आपको यहाँ पर टाइप करना होगा आई डी बच्चे की प्रेस द टैप की टू कंप्लीट द एंट्री फॉर द स्टूडेंट आई डी फील फिर आप टैप की कर दोगे तो यहाँ पर आप आ जाएंगे टाइप द फॉलोइंग एंट्रीज बाय प्रेसिंग टैप की आफ्टर रीचिंग वन कम्प्लीट द रिकॉर्ड जैसे आपने स्टूडेंट आई डी लिख ली फिर यहाँ पर टैप की किया ये पूरा कंप्लीट हो गया फिर से आप टैप की करेंगे तभी नीचे वाले रिकॉर्ड में आ जाएंगे आप आफ्टर टाइपिंग द लास्ट एंट्री एग्जाम्पल फीस प्रेस द टैप की ठीक है यहाँ पर आपने फ़ीस कंप्लीट कर ली आपका बच्चे का पूरा कंप्लीट हो गया पूरा फीस तक फिर से आप टाइप की करेंगे तब आप यहाँ पर आ जाएंगे ठीक है द इंसर्शन पॉइंट कम्स टू द स्टूडेंट आई डी फील्ड इन द सेकेंड रो सेकेंड रो में आ जाइए पहले आपने स्टूडेंट आई डी में कम्प्लीट कर लिया बच्चे का आई डी लिख दी फिर आपने टाइप की किया तो आप इन फील्ड में पहुँच जाएंगे जैसे ही आपका ये वाला कम्प्लीट हो जाएगा फ़ीस लास्ट आपका फील्ड है ये कम्प्लीट हो जाएगी फिर आप टाइप की करेंगे तब आपको सेकेंड रो में पहुँच जाएंगे आप फिफ्थ में क्या करेंगे देंगे द रिमेनिंग रिकॉर्ड्स बाय फॉलोइंग द सेम स्टेप्स यू शू यू यूज टू द एट द फर्स्ट रिकॉर्ड एज इन स्टेप सेकेंड टू फोर सेम आपको वही स्टेप्स फॉलो करने स्टूडेंट आई डी में जाएंगे फिर टैप की कर दबाएंगे फीस तक आ जाएंगे फिर टैप की दवाएंगे फिर यहाँ तक कंप्लीट करेंगे फिर टैप टैप की कर करके कर आप जितना आपको भरना उतना करते रहेंगे आप जितना भी आपको चाहिए बच्चों के यहाँ पर रिकॉर्ड वैन यू फिनिश एंट्रिंग डाटा क्लिक ऑन सेफ टू सेव द चेंजेस अब आपको सब कुछ सेव कर लिए यहाँ पर ये आपका सेव बटन होता है इसमें आप क्लिक कर देंगे ये ब्लू कलर से दिख रहा है इसमें आप सेव कर देंगे जो भी आपने चेंजेस किए हैं वो सेव हो जाएंगे एक्सेस सेज द टेबल एंड यू कैन सी द नेम ऑफ द टेबल इन नेविगेशन पेन ये नेविगेशन पेन है जो इसमें आप अपने बहुत सारे बच्चों के सारी डिटेल्स देख सकते हैं इसमें ठीक है जैसे आपने सेव किया आपके जितने भी नेविगेशन पेन जो होता है ये हमारा इसमें आप सारे बच्चों के स्टूडेंट्स के डिटेल्स वगैरह यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स आज आपका चैप्टर सेकेंड कम